नाज़रीन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मैशवा प्रोडक्शंस वंस अगेन। नाज़रीन, आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है हाइब्रिड होंडा वेजल, और मेरे साथ मौजूद है मेरे कजन है हसन। इनसे इस गाड़ी के बारे में जानेंगे। तो हसन, बताइएगा कि आपने ये गाड़ी कब खरीदी और ये आप कितनी चला चुके हैं, क्या प्राइस है इसकी? फ्रैंक भाई, गाड़ी हमने इसी साल खरीदी है टोक्यो से। ओके, तो हमने टोक्यो से ऑक्शन से गाड़ी खरीदी थी, तभी हमने रिसेंटली इम्पोर्ट की, फ्रेश इम्पोर्ट ही कार है। सही, 2015 मॉडल है और 2020 इम्पोर्ट है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में आई। तो कितना चला चुके हैं आप इसको? सर, अभी तो हमने पाकिस्तान में थोड़ा ही चलाया, टोटल की हमारी गाड़ी चली हुई है 48,000 किलोमीटर, लेकिन अभी हमने पाकिस्तान में से नॉट मोर देन 2,000 चलाया। सही, तो इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस रेंज क्या है, ये कौन सा वेरिएंट है? ये सर इसका जो फुल ऑप्शन वेरिएंट है ना वीजल का, ये वो वाला वेरिएंट है कि 4.5 ग्रेड की कार है, जेड पैकेज की कार है। इसमें ऑरेंज इंटीरियर आता है, डुअल एसी आता है, इसमें हीटेड सीट्स है, हीटेड सीट वाला जेड पैकेज जो इसका टॉप ऑफ द मॉडल वेरिएंट है वो वाला है। सही, तो इस वक्त मार्केट में क्या प्राइस है इसकी? सर, इसकी मार्केट में इस वक्त प्राइस लाइक भी अराउंड 4 to 4.5 मिलियन तक इसकी प्राइस है। 4 to 4.5 मिलियन इसकी प्राइस है। अच्छा, जैसे कि ये हाइब्रिड कार है, आपने बताया कि 1500 cc इंजन है इसके अंदर, तो क्या एवरेज क्या देती है, फ्यूल एवरेज के बारे में बताइएगा। फाइक भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये खाली हाइब्रिड कार नहीं है, इसके में स्पोर्ट्स वेरिएंट भी आता है। सर, मैं आपको थोड़ी देर अभी ऑन करके भी दिखाऊंगा, गाड़ी विद इन सेकंड्स जो है मोर देन 100 पे चली जाएगी। सही, इसलिए इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो बाकी इस तरह हमारे लोकल पाकिस्तान में हाइब्रिड कार्स हैं लाइक एक्वा, लाइक प्रियस पैसी नहीं है, थोड़ी सी उससे कम है, अराउंड 15 किलोमीटर पर आवर जो है ना, सॉरी 15 किलोमीटर पर लीटर जो है ना ये करती है, 15 किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज आपको दे रही है। हाँ, और स्पोर्ट्स वेरिएंट में आप कह लें 11-12 कर जाती है। सही है, और इसकी आगे से अगर हेडलैम्प्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोजेक्टर लैम्प्स भी गिवन है। जी, प्रोजेक्टर लैम्प्स भी गिवन है, और इसके अंदर वो DRLs भी दी हुई है इन्होंने, वो जो नहीं है वो आजकल इससे अगले मॉडल में आई थी, इस मॉडल में नहीं। अच्छा, मतलब लेकिन इसमें हम ऑप्शन ही करवा सकते हैं, ऑप्शन होती है इसमें। सही, मतलब 2015 के बाद आई है DRL से इसके अंदर। तो इसकी ये साइड मिरर्स के बारे में आप मुझे कुछ बता रहे थे, जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि साइड मिरर्स के अंदर इसके क्या खास बात है, या और क्या ऐसी ऑप्शंस इसके अंदर है अवेलेबल जो आम गाड़ियों में नहीं होती। लाइक भी इसमें एक तो हमारी लोकल कार्स में जो इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं है ना, सबसे पहले वो चीज़ इस गाड़ी में है। जब हम इस गाड़ी को बैक करते हैं ना, तो इसका जो इसको रिवर्स कर रहे होते हैं, तो इसका जो लेफ्ट साइड वाला शीशा है वो खुद ही टिल्ट हो जाता है, आपको जमीन दिखाना शुरू कर देता है, खुद ही टर्न हो जाता है, सेंसर उसमें लगे, सेंसर के मुताबिक कर लेता है। वेरी नाइस, मतलब जब आप इसका रिवर्स गियर लगाएंगे यहाँ पर आपको पिछला रियर कैमरा भी इसके अंदर गिवन है, रियर कैमरा भी इसके अंदर गिवन है, फ्रंट कैमरा भी गिवन है, और इसके जो साइड मिरर्स हैं खुद ही टिल्ट हो जाते हैं, टिल्ट हो जाते हैं ताकि आपको रिवर्स करने में आसानी रहे। बिल्कुल, पार्किंग सेंसर भी अवेलेबल है इसके अंदर? इसमें पार्किंग सेंसर अवेलेबल है, वेजल के अंदर पार्किंग सेंसर है ही नहीं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ डैशबोर्ड के अंदर सामने ये AC के 3 वेंट्स लगे हुए हैं, इसके पिछले साइड पे भी AC के वेंट्स गिवन है कि नहीं? इस मॉडल में पिछले वेंट्स गिवन नहीं है, डैशबोर्ड है इसके अंदर ऑरेंज इंटीरियर आ रहा है, ऑरेंज लेदर के अंदर इसमें सारा इंटीरियर स्कैन भी किया है, टू टोन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। अच्छा, इसके अंदर सनरूफ भी गिवन नहीं है? सनरूफ भी गिवन नहीं है, वैसे में सनरूफ होते नहीं, गाड़ी पुश स्टार्ट है। जी, गाड़ी पुश स्टार्ट है। परफेक्ट। अच्छा, स्टीयरिंग के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं सर? इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग पे, इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं, इसमें सर क्रूज कंट्रोल है, इसमें सारा आपके लिए अपना सारा वेरिएंट्स है, सब जो सब कुछ होता है ना वो सब कुछ है। सही, मतलब मीटर की सेटिंग्स भी इसके अंदर, मीटर के अंदर सेटिंग्स भी सब कुछ अवेलेबल है। मीटर के डिस्प्ले, मीटर बड़ा खूबसूरत है इसका, मीटर के डिस्प्ले के अंदर 3 पोर्शन है, तो मुझे बताइएगा इसके अंदर क्या क्या आता है। सर, जो इसका जो फ्रंट वाला है बिल्कुल मेरे सामने है, इसमें सर स्पीड गन आती है, सर की स्पीड क्या है, राइट साइड में हमारा किलोमीटर की गेज आ जाती है, हमारी बैटरी की गेज आ जाती है, और सारी टेम्परेचर की गेज आ जाती है। लेफ्ट साइड पर इसकी जो है ना बैटरी में पावर का आ जाता है, और गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, उसमें सारा जो पता रहता है कौन सी गियर में चल रही है। सही, और आउटसाइड टेम्परेचर भी और टाइम भी क्लॉक भी दिया हुआ है। सर, इसमें भाई को 2-3 बातें बताता हूँ, एक इसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। सही, इसमें इको मोड भी आता है। सही, और इसमें स्पोर्ट्स भी आता है। सही, तो क्या ड्राइव में डिफरेंस होता है उसके अंदर? बिल्कुल, गाड़ी जिस तरह इको मोड में जा रहा है तो गाड़ी का इंजन थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाता है। और बैटरी भी चलना शुरू हो जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स वेरिएंट में इसका इंजन ऑन रहता है, तमाम इंजेक्टर्स ऑन हो जाते हैं, गाड़ी स्पोर्ट्स की तरह बुलेट की तरह उठती है। परफेक्ट, बहुत आला। अच्छा, इसके जो राइट साइड पे ड्राइविंग सीट का जो राइट साइड डोर पैनल है,
उसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है शीशों की, वो जो है बटन दे उनके अलावा? शीशों के बटन है इसके अंदर, जो है हमारे साइड मिरर्स की सेटिंग भी इसके अंदर आती है, साइड मिरर्स को बंद करने की ऑप्शन भी इसी के अंदर आती है। गाड़ी लॉक अनलॉक की है, शीशों के लॉक्स हैं और साइड मिरर की एडजस्टमेंट है। अच्छा, आपके पास इसके अलावा जब आपने गाड़ी खरीदी है, मतलब 4 या 4.5 मिलियन की ये गाड़ी है माशाल्लाह से, आपके पास कोई और ऑप्शंस भी होंगी जो आपने उस टाइम कंसीडर करते हुए इसको प्रेफरेंस दी कि नहीं आई शुड बाय दिस वेजल? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बाइक भी ऐसा है कि हमारे पास 3 ऑप्शन आती है। एक आजकल जिस तरह किया कि स्पोर्टेज में अल्फा आ रही है, वो हमारे पास एक ऑप्शन आती है और 2020 मॉडल है और उसकी प्राइस भी यही है 45 के पास पास है। उसके बाद मेरे पास सुजुकी विटारा आती है, उसके अंदर भी पैनोरामिक व्यू है, बहुत जबरदस्त सेटअप है। तो लेकिन इन दोनों गाड़ियों की बनिस्पत साइक में ये गाड़ी बहुत ऊपर है। हाँ, लेकिन वो दोनों हाइब्रिड भी नहीं है। हाँ, दोनों हाइब्रिड भी नहीं, ऊपर जैपनीज कार है। सही, और जैपनीज हैम्बर्ड है, डैशबोर्ड पे पैसेंजर का है और ड्राइविंग सीट के ऊपर जो है वो स्टीयरिंग व्हील के अंदर भी पैसेंजर का गिवन है। अच्छा, इसके कंसोल के अंदर अगर हम देखें तो ये स्पोर्ट्स मोड का बटन है, ब्रेक होल्ड का बटन है और ये इलेक्ट्रिक इसकी हैंड ब्रेक भी गिवन है। ये इसके अंदर जो रियर व्यू मिरर है, इसके अंदर ये ऑटो डिमिंग इफेक्ट वगैरह भी है। ये मल्टीमीडिया सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें, इसके अंदर कितने स्पीकर्स हैं और ये जो है ये कितने इंचेस का और ये क्या परफॉर्मेंस देता है? सर, इसमें तो ये तो देखा 10 या 11 inches का, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सही, बाकी इसमें आई थिंक लाइक भी मुझे स्पीकर्स इसमें आई थिंक 6 स्पीकर्स है, 6 स्पीकर्स, आई एम नॉट, 4 और 6 4 और 6। इसके गियर बॉक्स के वाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा। इसमें 6 स्पीड है, 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन है, इंतहाई नफीस लुक है इनसाइड से भी और इसकी पिछली साइड पे भी अगर देखें तो अच्छी खासी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, लेग स्पेस, चाहे अगले सीट पे आप जो है वो जिस तरह से भी एडजस्ट करके बैठे, पिछले वाले जो पैसेंजर हैं उनके लिए भी इनफ लेग स्पेस गिवन होती है। अच्छा, बूट स्पेस भी इसकी जो है वो हम अपने नाज़िन को दिखा देंगे, जो है ना वो बूट स्पेस भी इसके अंदर इनफ गिवन है और इसके अंदर नीचे बूट सेपरेटर के साथ एक्स्ट्रा अलॉय व्हील भी आता है। जैपनीज कार में अलॉय व्हील्स का ट्रेंड खत्म हो गया, इसकी जगह वो अब जो पंप्स देना शुरू कर दिए उन्होंने, वो जेल शुरू देना शुरू कर दिया, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो मतलब सादा व्हील भी नहीं आता इसके साथ? सादा व्हील भी नहीं आता। वो मतलब आपको कंप्रेसर देते हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं कि अगर आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप उसके साथ यूज कर सकते हैं। खैर, एनीवे आई डोंट थिंक कि मैं कोई चीज मिस कर गया हूं। ये स्पोर्ट्स मोड है, खैर हम लोग कोशिश करेंगे कि मीटर भी दिखाएं। ओके, अच्छा सर, हमें इस गाड़ी के रिम साइज के बारे में बताइएगा। बाइक भी इसका रिम साइज जो है वो 17 है, इसमें 17 का लायर है, डाल लो कि टायर में डले हुए हैं, ये टायर भी बाहर से इसके खराब आए, मतलब एक्सीलेंट रूट पर, मतलब आफ्टर मार्केट आपको जरूरत नहीं पड़ती लाइक लोकल गाड़ी, आपको ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। और आज नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए इसको अपने गाड़ियों के शौकीन दोस्तों के साथ। आई होप कि मैंने सारी चीजें इसके अंदर जो है वो क्लियर कर दी हैं, अगर कोई चीज मिस कर गया हूं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए कि आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हसन, हमारे लिए आपने टाइम निकाला है। इंशाल्लाह नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी इसी तरह एक और गाड़ी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।